अगला हम गैसों के व्यवहार को समझने के लिए गेलुसाक के नियम को समझेंगे। गेलुसाक के नियम में आयतन को स्थिर रखा गया। गेलुसाक के नियम को एमंटन का नियम भी कहते हैं या इसे दाब ताप या पीटी का नियम भी कहते हैं। इस नियम को सबसे पहले जोसेफ गेलुसाक ने 1802 में दिया था। उसमें उन्होंने जब आयतन को स्थिर रखा जाता है तो दाब एवं ताप का क्या संबंध होगा इसके बारे में अध्ययन किया। तो स्थिर आयतन पर जो गैस की दी गई मात्रा का दाब है वो परम तापक्रम के समानुपाती होता है। यदि आयतन स्थिर है और गैस की निश्चित मात्रा है, दाब एवं तापमान के मध्य समानुपाती संबंध देखने को मिलता है। तो P समानुपाती होगा T के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं P बराबर KT, या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं P अपॉन T इक्वल टू K। तो जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि P अपॉन T इक्वल टू K है, तो यदि अलग अलग प्रेशर अलग अलग टेम्परेचर लिया जाएगा तो P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। इस संबंध को एमंटन का नियम भी कहा जाता है। और चूंकि यहाँ पर आयतन स्थिर है तो दाब और ताप के मध्य जो संबंध देखा गया उसमें समानुपाती संबंध होता है, यानी दाब बढ़ाने पर तापमान के बढ़ने पर दाब में भी वृद्धि होती है। तो गेलुसाक का जो नियम है वो अपने उसके कई सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उसको समझेंगे हम। अक्सर देखा जाता है कि गर्मी के दिनों में जो टायर होते हैं गाड़ियों के उसमें कम हवा भरने की सलाह दी जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्मी के समय जो कमरे का तापमान होता है वो ठंड की तुलना में अधिक हो जाता है। तो समान आयतन की वायु गर्मी में ठंड की तुलना में अधिक दाब डालती है। इस वजह से टायरों को फटने से बचाने के लिए गर्मी में उसमें कम हवा भरने की सलाह दी जाती है। तो ये तो एक अनुप्रयोग है गेलुसाक के नियम का। और दूसरा अनुप्रयोग है कि जो गैस से भरी हुई पानी की बॉटल होती है उसको गर्मियों के दिन में पानी के अंदर ही रखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गैस से भरी हुई जो पानी की बॉटल होती है उसके जलीय विलयन में हम देखते हैं कि कम दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। और तापमान जब बढ़ता है गर्मी में तो उस समय जो विलेयता होती है उस गैस की कार्बन डाइऑक्साइड की वो कम हो जाती है। गर्मियों में तापमान के बढ़ने के कारण विलयन में जो गैस की विलेयता है वो कम हो जाएगी और बोतल में मुक्त गैस की मात्रा बढ़ती है। तो इस कारण जो दाब है वह बढ़ेगा और दाब बढ़ने पर जो बोतल है वो फटने का डर होता है यहाँ पर। तो इस वजह से बोतल को फटने से रोकने के लिए ये प्रयास किया जाना चाहिए। तो गैस से भरी हुई जो पानी की बोतल होती है उसे ठंडे पानी में रखा जाता है गर्मियों के दिनों में, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है जो गैसों की विलेयता है वह कम होने लगती है। टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो दाब में भी वृद्धि होती है। तो इस वजह से इस तरह से गैस से भरे हुए पानी की बॉटल को गर्मियों के समय पानी के अंदर ही रखा जाता है। द्रव अमोनिया की जो बॉटल होती है उसको सील खोलने से पहले ठंडा कर लिया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो जब प्रेशर अधिक होता है और सामान्य टेम्परेचर होता है तो अमोनिया द्रव अवस्था में होती है, और यदि सील बोतल को बिना ठंडा किए खोल लिया जाएगा तो ये जो द्रव अमोनिया है वो वाष्प में बदल जाती है और वाष्प के रूप में बाहर निकलने लगती है। तो इससे दुर्घटना हो सकती है और बोतल भी फट सकती है। तो बोतल को नल के पानी में पहले नीचे रख के उसमें ठंडा किया जाता है जिससे कि दाब और ताप दोनों ही कम हो जाए, और फिर जब सील खोला जाता है तो ऐसी स्थिति में दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है। गेलुसाक के नियम का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, चूँकि यहाँ आयतन स्थिर है तो जो ग्राफ होगा वो दाब एवं ताप के मध्य खींचा गया। तो यदि ताप को x अक्ष पर लेते हैं और दाब को y अक्ष पर लेते हैं तो इस तरह से अलग अलग ग्राफ प्राप्त होता है। ये अलग अलग आयतन में अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग आयतन दिखाई दे रहा है। स्थिर आयतन है यहाँ पर, तो इसे हम आइसोकोर भी कहते हैं। ये जो अलग अलग कर्व मिलता है और ये सभी सीधी रेखा के रूप में है और एक मूल बिंदु तक ये पहुँचती है।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दाब एवं ताप के मध्य ग्राफ खींचने पर सरल रेखा प्राप्त हुई और प्रत्येक जो रेखा है उसे हम आइसोकोर कहते हैं क्योंकि यहाँ आयतन स्थिर होता है। तो यहाँ इस संबंध को बल मिलता है, यह संबंध सिद्ध होता है कि P1 अपॉन T1 इक्वल टू एक स्थिरांक होता है या P2 अपॉन T2 इक्वल टू एक स्थिरांक होता है। तो इसे हम P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2 के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो गेलुसाक के नियम में हमने देखा कि दाब बढ़ाने पर तापमान में भी वृद्धि होती है और दाब और ताप के मध्य समानुपाती संबंध होता है। अगला हम देखेंगे एवोगाड्रो का नियम। तो ये जो एवोगाड्रो का नियम है ये काफ़ी सिद्धांतों को समझने में और समझाने में, कई सारे अवधारणाओं को समझाने में सफल रहा। एवोगाड्रो का नियम उत्पन्न हुआ डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत और गेलुसाक के गैसीय आयतन नियम के संबंध के रूप में। तो यहाँ पर जब इन दोनों संबंधों को देखा गया, डाल्टन का परमाणुवाद और गेलुसाक का जो गैसीय आयतन नियम संबंध है, इसको स्थापित करने के प्रयास के लिए ही एमेडियो एवोगाड्रो ने एक अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की जिसे एवोगाड्रो का नियम कहते हैं। तो एवोगाड्रो के नियम के अनुसार ये बताया गया कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में जो अणुओं की संख्या है वह भी समान होती है। यदि NTP लिया जाए, जैसा हमने पहले भी देखा था नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो यहाँ पर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी ले सकते हैं टेम्परेचर को और 273 केल्विन के रूप में भी ले सकते हैं और दाब को 760 mmHg के रूप में लिया जाए, तो किसी भी गैस का जो आयतन होगा वह NTP पर 22.4 लीटर होगा। तो इन सभी परिस्थितियों में जो अणुओं की संख्या होगी वह एवोगाड्रो संख्या अर्थात NA, जिसे हम एवोगाड्रो संख्या के रूप में कहते हैं, तो ये मान होता है 6.022 × 10⁻²। तो जैसा हमने देखा कि जब समान ताप है, समान दाब है और गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होगी, तो NTP पर हम देखते हैं कि यह मान अणुओं की जो संख्या है वो 6.022 × 10⁻²³ प्राप्त होता है, जिसे NA के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि एवोगाड्रो नियम को संबंध के रूप में लिखा जाएगा तो वो इस प्रकार से होगा कि यदि तापमान स्थिर है और दाब स्थिर ताप है, स्थिर दाब है और गैस का आयतन V लिया गया और अणुओं की संख्या यहाँ पर N ली गई, तो यदि मान लीजिए दाब और ताप स्थिर है तो गैसों के निश्चित आयतन में, मतलब यहाँ पर यदि हम गैसों का समान आयतन लेते हैं V, वह समानुपाती होगा N के। यहाँ पर दाब एवं तापमान को स्थिर लिया गया। यदि मोलों की संख्या को हम N से व्यक्त करते हैं तो N समानुपाती होता है N के। ये जो N है वो अणुओं की संख्या को दर्शाता है। यदि हम मोलों की संख्या को व्यक्त करते हैं तो मोलों की संख्या को हम लिख सकते हैं अणुओं की संख्या बटा एवोगाड्रो संख्या। तो अणुओं की संख्या अलग अलग हो सकती है अलग अलग आयतन में, लेकिन यदि हम 22.4 लीटर में देखते हैं तो यह एवोगाड्रो संख्या यानी 6.022 × 10⁻²³ के रूप में NA के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो N बराबर होगा N अपॉन NA, तो ये अणुओं की संख्या बटा होगा एवोगाड्रो संख्या। तो यहाँ जो हमें N प्राप्त हुआ ये N गैसों के लिए मोलों की संख्या को व्यक्त करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चूंकि एवोगाड्रो संख्या एक स्थिरांक होता है, एक स्थिर वैल्यू है, तो हम मोलों की संख्या को समानुपाती कह सकते हैं N के। तो जैसा हमने देखा कि N बराबर N अपॉन NA है, तो NA एक स्थिरांक वैल्यू हो गई, तो N समानुपाती होगा N के। तो यहाँ हम देखते हैं कि यदि तापमान स्थिर है और दाब स्थिर है तो गैसों के समान आयतन V उनके मोलों की संख्या N के समानुपाती होती है। तो यदि दोनों संबंध को मिलाते हैं तो V समानुपाती होता है N के। कैपिटल V यहाँ पर स्थिर ताप और दाब पर गैस के समान आयतन को शो करता है। एवोगाड्रो के नियम के कई सारे महत्व हैं, जैसा हमने देखा कि डाल्टन के परमाणुवाद को समझाने में या उसे सिद्ध करने में एवोगाड्रो नियम
बहुत महत्व रखता है। एवोगाड्रो नियम डाल्टन के परमाणुवाद का समर्थन करता है। अणु और परमाणु के बीच जो अंतर है उसको स्पष्ट करने के लिए भी एवोगाड्रो नियम बहुत सहायक रहा। गेलुसाक का जो गैस आयतन संबंधी नियम है उसको भी ये समर्थन देता है और आणविक द्रव्यमान और वाष्प घनत्व के मध्य संबंध को स्थापित करने में भी इसका बहुत अधिक महत्व होता है। तो वाष्प घनत्व बराबर होता है गैस के निश्चित आयतन का द्रव्यमान बटा समान आयतन में हाइड्रोजन का द्रव्यमान। तो यहाँ पर ये एवोगाड्रो का जो नियम है वो वाष्प घनत्व और आणविक द्रव्यमान के मध्य संबंध को भी स्थापित करता है। यदि हम यहाँ पर N लेते हैं यानी मोलों की संख्या को लेते हैं और द्रव्यमान के आधार पर यदि मोलों की संख्या को व्यक्त करते हैं तो N बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो N बराबर है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो यहाँ जो संबंध हमें प्राप्त हुआ है V समानुपाती होता है N के। यदि समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो K लगेगा, तो V बराबर K इंटू N है। यदि N की जगह पर हम M अपॉन M लिखते हैं, यदि N की जगह हम M अपॉन M लिखते हैं तो ये वैल्यू होगी V बराबर K स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। और यहाँ पर चूँकि ये जो संबंध देखा हमने ये मोलों की संख्या के लिए है तो यहाँ हम मोलर द्रव्यमान को इस तरफ ले जाते हैं। तो जब हम मोलर द्रव्यमान को इधर लेके जाएंगे तो कैपिटल M इक्वल टू K और स्मॉल m अपॉन होगा V के। तो यहाँ पर m अपॉन V इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन बराबर हम लिख सकते हैं घनत्व। तो यहाँ मोलर द्रव्यमान समानुपाती होगा घनत्व के। जैसा कि हमने देखा कि यदि मोलर द्रव्यमान और घनत्व के मध्य संबंध देखते हैं और एवोगाड्रो नियम के आधार पर घनत्व और मोलर द्रव्यमान के संबंध को हम समझते हैं तो m समानुपाती होता है घनत्व के। तो m समानुपाती है घनत्व के, तो समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो m बराबर k d, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं।